हेलो रिवान कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे होंगे मेरे बच्चे क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स तो मैथ्स का सिलेबस मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ और फाइनल एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में टोटल ट्वेल्व चैप्टर सिलेबस में इन ट्वेल्व चैप्टर्स को विद इन फिफ्टी डेज किस तरह से परफेक्ट करना है लास्ट वीडियो मेरा इसी पे था तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाके देखो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ट्वेल्थ के ट्वेल्थ चैप्टर्स फिफ्टी डेज में एकदम परफेक्ट किए जा सकते हैं एंड इट इज़ फ्रॉम योर न्यू एन मेरे बच्चे जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो न्यू एन ही होनी चाहिए क्योंकि एक तो इसमें रैशनलाइज सिलेबस है जो डिलीट हो गया वो इसमें आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास ओल्ड एन है तो उसमें कन्फ्यूज़न बनी रहेगी कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो तो इट इज़ माई सजेशन कि आप न्यू एन लो और इसी से अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो लास्ट भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 80 परसेंट आपका जो फाइनल पेपर है वो न्यू एन से होगा और जो 20 परसेंट होगा वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा जैसे मेरा न्यू एन का सिलेबस कंप्लीट होता है फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीधी चलाऊंगा और हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाऊंगा लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी क्या है आप न्यू एन को परफेक्ट करें ठीक है तो मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर क्लास नाइन्थ एवरी थिंग एंड इफ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आपको मैथ्स को प्रिपेयर करना चाहिए वो वीडियो ज़रूर देखना आपको बहुत जो है मोटिवेशन मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि यार वाकई ट्वेल्थ चैप्टर्स करना वो कोई बड़ी बात नहीं है फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एटी परसेंट पेपर फ्रॉम योर न्यू एन सी आर टी डेड श्योर sure है डेड श्योर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आउट ऑफ एन आ जाएगा नो no. एन से आएगा एट्टी आपका पेपर फाइनल वाला चैप्टर वाइज वेटेज सब हो चुका है किस तरह से प्रिपेयर करना है सब ये प्लान में आपको बता चुका हूँ एंड uh, हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी होगी फाइनल एग्जाम में देखें आप नंबर सिस्टम पॉलिमल सब कुछ बता रखा है ठीक है तो आज हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम की है उस पर बात करते हैं ठीक इलेवन पॉइंट इलेवन पॉइंट फोर तो इलेवन पॉइंट फोर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सफेर और हेमी दो टॉपिक हमारे चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिविजन देना चाहता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया की क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट uh, किया है दैट इज़ इलेवन पॉइंट टू इलेवन पॉइंट टू जो है वो सफ़ेर और हैमिस्फेयर के एरिया से रिलेटेड है और इलेवन पॉइंट फोर है जो सफेयर एंड हैमीस्फेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एरिया के फॉर्मले यूज़ होंगे तो इट इज़ बेटर कि हम पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं तो फर्स्ट इज कर्व्ड सर्फेज एरिया ऑफ सफ़ेयर सफ़ेयर बोले तो फुटबॉल जैसा कोई शेप कर्व्ड सर्फेज एरिया ऑफ सफ़ेयर कितना होता है बेटा फोर पाए आर स्केयर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तब भी मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा सारे फॉर्मुलों को लिस्ट करूंगा और बताऊंगा कैसे इनको याद किया जाता है आप परफेक्टली इनको याद कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ़ सफ़ेर बिल्कुल वो सेम होता है कर्व्ड एंड टोटल सफ़ेर का सेम ही होता है ठीक है एंड फिर हमने किया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हैमिस्फेयर हैमिस्फेर क्या होता है आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो सीधा इसको हाफ कर दें टू पाई आर स्केर और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हैमी होता है दैट इज थ्री पाई आर स्केयर तो लास्ट लेक्चर जो हमारा इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का था दैट इज इलेवन पॉइंट टू उसमें ये फोर फॉर्मूले डिस्कस किए गए क्लियर है तो आज के जो फॉर्मूले हैं वॉल्यूम से रिलेटेड है तो मेरे बच्चे लिखें जल्दी से आप वॉल्यूम ऑफ सफेयर सफेर का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इसमें एच वगैरह नहीं होता आर ई आर होता है तो आपको रेडियस को ही यहाँ पर देखना है और फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है आर क्यूब होता है ठीक है वॉल्यूम में स्केयर uh, में एरिया में स्केयर होता है ठीक है सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हैमिस्फेयर बस ये दो फॉर्मले आपको यहाँ पर ध्यान पर रखना सो वट इज़ वॉल्यूम ऑफ हैमिस्फेयर इट इज़ टू बाई थ्री पाई आर क्यूब इसका सीधा हाफ कर दीजिए सफेयर इज लाइक फुटबॉल सफेर इज लाइक फुटबॉल हैमिस्फेयर डायमीटर से आप उसको हाफ कट कर दीजिए इट इज़ लाइक हैमिस्फेयर जैसे तबला बजाते हैं ना उसी शेप में कटोरी आपके घर में लाइक like दैट है ना दिस इज सफेयर दिस इज हैमिस्फेयर ये आ गया सफेयर का वॉल्यूम ये आ गया हैमिस्फेयर का वॉल्यूम बस इसी पे हमारा चल रहा है रेडिस पे फोकस करना है मेन आपके यहाँ पे जो टोटल आई थिंक टेन क्वेश्चन एक्सरसाइज में लास्ट के जो क्वेश्चन है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है दो तीन उसमें से एक आ जाए तो इसलिए ध्यान से समझना उन क्वेश्चंस को ठीक है मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफेयर हुज़ रेडियस इज दिस स्टार्टिंग के थ्री फोर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस है कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फर्स्ट पार्ट में मेरे बच्चे आपको रेडियस दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर आपको सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सफेयर माय डियर टेल मी सर इट इज़ फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो फोर बाई थ्री पाई यू कैन टेक ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड द रेडियस इज सेवन तो उसको तीन बार लिख लो बस इसको सिम्प्लीफाई करना है यू विल गेट योर रिजल्ट सेवन से सेवन कैंसिल हो गया थ्री किसी को कैंसिल करता नहीं ये एटी एट आ गया ये फोर्टी नाइन आ गया डिवाइड बाई थ्री फोर्टी एट एटी एट और फोर्टी नाइन को मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा थ्री से डिवाइड करो डेसीबल में तो यहाँ पर आप लिख सेंगे सेंटी uh, सेंटीमीटर क्यूब ठीक है यहाँ पर सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम है तो क्यूब में लिखना अगर एरिया है तो स्केर में लिखना सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है मैंने यहाँ सेवन 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 लिखा तीन बार आपको लिखना है पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई पॉइंट सिक्स थ्री मल्टीप्लाई पॉइंट सिक्स थ्री दट्स ऑल आई होप आप इसको कर सकते हो ये बहुत ईजी है ना तो क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिसप्लेसड बाय सॉलिड सफेरिकल वॉल ऑफ डायमीटर दिस देखो यहाँ पर बात हो रही है सफेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस कहीं पर पानी पड़ा है वाटर है आपने उसमें सफ़ेरिकल बॉल डिप किया कह रहे हो उसकी वजह से सफ़ेरिकल बॉल अगर आपने डिप किया तो उसकी वजह से वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ बच्चे वाटर उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना उससे सफ़ेर का वॉल्यूम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर है ठीक है ये वाटर आपने इसमें क्या डाल दिया सफ़ेर क्या फेंक दिया इसमें सफ़ेर फेंक दिया अब जैसे सफ़ेद सॉलिड एक सफ़ेर है उसमें डाल दो तो पानी साइड में हो जाएगा ना पानी साइड में हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा तो कितना पानी डिस्प्लेस होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आप उस वाटर में डाल रहे हो तो यहां पर सिंपली आपको वॉल्यूम ही निकालना है सफेद का तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप लिखें कि रेडियस कितना होगा रेडियस तो डायरेक्ट गिवन नहीं है डायमीटर गिवन है फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ ट्वेंटी एट सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा मेरे बच्चे इसका हाफ दैट इज फोर्टीन सेंटीमीटर यू कैन राइट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना पानी डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम ऑफ द सफ़ेर सफ़ेर का जो वॉल्यूम होगा बस उतना ही सफ़ेर का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो इस क्वेश्चन में बस यही सिखा रहा है आपकी कि डिस्प्लेस का मतलब क्या है कितना पानी डिस्प्लेस बस यही मीनिंग इसमें सिखाया जा रहा है बाकी फॉर्मला अप्लाई करना है क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ट्वेंटी टू बाई सेवन द रेडियस इज फोर्टीन आई होप यू कैन डू कैलकुलेशन वो आप कर लेना ठीक है नेक्स्ट है पॉइंट टू वन मीटर या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो हंड्रेड से इंटू करोगे उसके बाद लगाओ जहाँ डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली आपको वॉल्यूम निकालने सफेद का क्वेश्चन नंबर थ्री द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक वॉल इज फोर पॉइंट टू वॉट इज द मास ऑफ द वॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज एट पॉइंट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेरे बच्चे ये डेंडिसिटी वर्ड लिखा है एट पॉइंट नाइन ग्राम लिखा है पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ऐसी चीज़ें देख के बिल्कुल घबराना नहीं जैसे आपने एरिया वाले क्वेश्चन में भी कॉस्ट के क्वेश्चन किए ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश बिल्कुल सेम ऐसा ही है वॉल्यूम में आपको ज़्यादातर डेंसिटी वर्ड सुनने को मिलेगा यानी जो भी आपका आंसर आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब में बस उसको वॉल्यूम डेंसिटी uh, उसकी निकालनी है उसको ग्राम में चेंज करना है जैसे एरिया आपका सेंटीमीटर स्केयर में आता है बाद में उसको आप कॉस्ट इंटू करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है तो यहाँ पर आपका जो है डेंसिटी आ जाएगी यानी आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में जाना होगा Nothing else. वो लास्ट में ही होता है लास्ट की एक में लिखना होता है तो ऐसी देखिए बिल्कुल नहीं है। आपको वॉल्यूम ही है तो देखें कितना दिया हुआ टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा मेरे बचे फोर पॉइंट टू को आप टू से डिवाइड कर दो टू पॉइंटी आप ट्वेंटी लिख सकते हो वट इज मास मास करना है तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे उस सफेर का है ना उस बॉल का सेंटीमीटर क्यूब में और बाद में उसको चेंज करेंगे मास आ जाएगा डेंसिटी आ जाएगी ठीक तो मेरे बच्चे यहाँ पर वॉल्यूम आपका फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब फोर बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस ट्वेंटी वन बाई टेन ट्वेंटी वन बाई टेन ट्वेंटी वन बाई टेन सेवन ने इसको कैंसिल किया सेवन थ्री थ्री ने इसको कैंसिल सब कैंसिल हो गए इस टेन 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 को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है जो बचा उसको लिखो फोर बाय थ्री थ्री कैंसिल हो चुका है मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन राइट डिवाइड बाय थ्री टाइम टेन ठीक है दैट्स ऑल यह है आपका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अब आप देखो ध्यान से समझो एरिया का होता है ना पहले कॉस्ट लिखते हैं पर यूनिट कितना दे रखा है फिर टोटल कॉस्ट आ जाती है यहाँ पर सेम स्टोरी आपने ऐसे लिखना है आपने ऐसे लिखना है जो गिवन है डेंसिटी ऑफ द मेटल इज एट पॉइंट नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आपको ऐसे लिखना है डेंसिटी ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब अगर वन सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो तो उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है एट पॉइंट नाइन ग्राम ऐसे लिखना है ठीक है आपको फिर लिखना है डेंसिटी ऑफ व्हाट जितना आपने फाइंड किया फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन डिवाइड बाई वन थाउजेंड है ना इतना वॉल्यूम आपने फाइंड किया ना तो इसका कितना आएगा ये कि जो भी आपके पास नंबर है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपको ग्राम में दे रखा है एट पॉइंट नाइन ग्राम देट्स सो सिंपली जो वॉल्यूम आया आप उसको एट पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करो वो ग्राम में आ जाएगा बाद में उसको के जी में चेंज करना होगा तो आप उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दो वो के जी में चला जाएगा आई होप आप इसके बाद कैलकुलेशन कर लोगे फोर इंटू ट्वेंटी टू इज़ एटी एट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन होता है फोर फोर वन इसको आप लिख सकते हैं एट्टी नाइन डिवाइड बाई ए जीरो और नीचे बढ़ा दो इन सब को मल्टीप्लाई करो जो भी नंबर आएगा डेसिमल में लगाओ वो ग्राम में जो भी फिर आएगा फिर उसको फिर से थाउजेंड से डिवाइड करो वो के जी में चला जाएगा तो आपका वो मास निकल के आ जाएगा आई होप इट इज़ क्लियर फिर बता रहा हूँ ऐसी टर्म्स अगर लिखी हैं देख के बिल्कुल घबराना नहीं आपको सिंपली वॉल्यूम निकाल के बाद में चेंज करना होता है उसको ग्राम में के जी में जिसमें पूछा क्वेश्चन नंबर फोर्थ द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ सेम क्वेश्चन आपका एरिया uh, में भी था यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड वहाँ सरफेस एरिया का रेशो निकाल रहे थे यहाँ वॉल्यूम का रेशो हैं तो मेरे बच्चे सबसे पहले जो कंडीशन दे रखा है उसको आप लिखें डायमीटर ऑफ मून इसके इक्वल दे रखा है वन फोर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ पहले तो आप ये लाइन लिखेंगे ठीक फिर डायमीटर ऑफ मून को आप स्मॉल डी से डिनोट कर लो दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ द कैपिटल डी कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ अर्थ तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी क्योंकि आप रेडियस से डील करते हो तो आप डायमीटर को छोड़ दो इसकी जगह रेडियस लिख लो तो डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज वॉट रेडियस ऑफ द मून वन बाई फोर वॉट इज कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द अर्थ तो इसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लो तो इट इज टू टाइम आर फिर ये टू टू कैंसिल हो गया तो आर आ गया वन बाई फोर ऑफ कैपिटल आर तो आप एक रिलेशन डेवलप कर चुके हैं यहां पर ये वाला तो ये रिलेशन हमारी हेल्प करेगा रेशियो को फाइंड करने पे यानी जो अर्थ का रेडियस है वो फोर टाइम है मून के जो हमें गिवेन इन्फॉर्मेशन तो इसको इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम का रेशो निकालेंगे जब भी मैंने बोला है फ्रैक्शन फाइंड करनी है रेशो फाइंड करनी है इंडिविजुअल वॉल्यूम मत ढूंढो और बाद में मत डिवाइड करो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन की तरफ ही बढ़ो तो आप लिखें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन रेशो हो तो रिक्वायर्ड रेशो लिख सकते हो तो रेशो है फ्रैक्शन है तो ऊपर किसको रखना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपने न्यूमिनेटर में लिखना है ठीक है वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपने न्यूमिनेटर में लिखना है और वॉल्यूम ऑफ मून आपको डिवाइड में लिखना है मेरे बच्चे दोनों सफेरिकल मानते हुए आपको इसको फॉर्मूला सफेर का लगाना है फोर बाई थ्री पाए आर क्यू आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ नीचे भी आपको लिखना है फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब देखो ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए इसलिए फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखनी है इंडिविजुअल नहीं करना इंडिविजुअल करोगे टाइम लग जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शन में जाना है कैंसिल हो जाता है बहुत कुछ तो आगे बचा आर क्यूब आर क्यूब कैपिटल आर का वैल्यू देखो हमने निकाला हुआ है फोर टाइम स्मॉल आर तो इसको लिख लेंगे फोर टाइम स्मॉल आर होल क्यूब नीचे आर क्यूब यहाँ फिर लिखेंगे फोर का क्यूब अलग आर का क्यूब अलग आर का क्यूब अलग ये दोनों कैंसिल हो गए फोर का क्यूब कितना होता है फोर फोर जैसा सिक्सटीन सिक्सटी फोर जहा सिक्सटीन फोर का सिक्सटी फोर डिवाइड बाई तो रेशो आया आपका सिक्सटी फोर इज टू वन इज इट क्लियर दैट्स ऑल तो बस ऐसे आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क कैन बी हेमिसफेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस होल्ड भाई हेमिसफेरिकल बाउल है यानी कटोरी टाइप जो भी है उसका डायमीटर इतना गिवन है तो उसमें कितना दूध आएगा लेकिन वो लीटर में फाइंड करना है यूनिट आपको यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब में जो आपका रिजल्ट आएगा आपने उसको मीटर क्यूब में लीटर में चेंज करना है तो मेरे बच्चे सबसे पहले देखें डायमीटर मीटर कितना है द डायमीटर इज़ टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो इसका रेडियस आप लिख लें टेन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू सेंटीमीटर बहुत से बच्चे क्या करेंगे टेन पॉइंट फाइव को टू से डिवाइड करेंगे नहीं करो डिवाइड क्योंकि यार इसको अभी फॉमूले में पुट करना है ना हो सकता है टू कैंसिल हो जाए तो पहले ही डिवाइड करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना मैं हमेशा हर वीडियो में आपको यह बताता हूँ जब भी कैलकुलेशन हो रही होती है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हैमिस्फेरिकल बाउल है ठीक है तो सिंपली वॉल्यूम निकालना आपको हैमिस्फेयर का वॉल्यूम ऑफ हैमिस्फेयर द फॉर्मला इज टू बाई थ्री पाए टू बाई थ्री पाई यू कैन टेक ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्यूब तो इसको आप लिखेंगे थ्री टाइम तो जैसे आपने थ्री टाइम लिखा देखे आप टू से टू कैंसिल हो रहा है फिर ये टू से ट्वेंटी टू कैंसिल हो रहा है ठीक है और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन सेवन जो है टेन पॉइंट फाइव को कैंसिल करता है ठीक है देखो सेवन वन वनजा सेवन फिर थर्टी फाइव वन पॉइंट फाइव आता है वन पॉइंट फाइव फिर थ्री को कैंसिल करता है तो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ जो बच गया कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए इलेवन बचा वन पॉइंट फाइव बच रहा है मल्टीप्लाई टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव राइट डिवाइड में जो बच रहा है एक थ्री और एक टू बज रहा है, राइट देखो इलेवन जितने भी डेसिमल हैं वो मैं हटा रहा हूँ सारे डेसिमल, सारे डेसिमल हटा दिए इसका आ गया आ, वन पॉइंट फाइव का टेन इसका भी टेन इसका भी टेन ये थ्री को फाइव से उड़ाओ हो गया फाइव थ्री से फिफ्टीन और इस फाइव और इसको उड़ाओ यहाँ पर वैसे कैंसिल करना चलो बेटर ऑप्शन नहीं मैं कर देता हूँ कितने से टू से क्लियर है अब बचा आपके पास इलेवन वन ज़ीरो फ़ाइव वन ज़ीरो फ़ाइव नीचे बचा टू टू जा फोर और दो जीरो फोर हंड्रेड और भी कैंसिल हो जाएगा ये फाइव से कैंसिल हो जाएगा फिर नीचे डेसिमल लगाना आपके लिए प्रॉब्लम है चलो कोई दिक्कत नहीं पर देख लेते हैं हमें अभी इस किस में जाना है लीटर में जाना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको फाइव से कैंसिल करता हूँ देखो एट फाइव ज़ा फोर्टी एट फाइव ज़ा फोर्टी ये नीचे आ गया एटी। इसको फाइव से कर रहा हूँ फाइव टू जा टेन वन ट्वेंटी वन इसको भी फाइव से कर रहा हूँ क्योंकि ये भी फाइव से जाता है सिक्सटीन फाइव ज़ा एटी होता है इसको फाइव से कर रहा हूँ फिर ट्वेंटी आ गया अब नहीं कैंसिल होता तो अब आ गया इलेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन बाई सिक्सटीन मेरे बच्चे ये जो भी आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करें सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा हेमिसफेयर का लेकिन इसको किस में बदलना है लीटर में बदलना है तो आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था शायद फिर से बता रहे हैं वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब अगर हो वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब अगर हो तो वो एक लीटर के बराबर होता है बस ये समझ में जैसे तो आपके घर में अगर एक लीटर दूध आता है तो वो एक लीटर दूध कितना सेंटीमीटर क्यूब है वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब बस ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना तो आपको कुछ नहीं करना जो आपका रिजल्ट आया है जो आपका रिजल्ट आया है आपने इसको डिवाइड कर देना है वन थाउजेंड से जैसे वन थाउजेंड लिखा बगल में लिख दो तो लीटर डेसीमल में आगे आप आ जाओ ठीक है दैट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव कन्वर्जन है बस इसमें वो थोड़ा ध्यान क्वेश्चन नंबर सिक्स अ हैमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट वन सेंटीमीटर थिकनेस अब भैया टैंक आ गया हैमिस्फेरिकल देखो ये इसका माउथ और थिकनेस की बात हो रही है ना तो उसका फेस कुछ इस तरह से हो ऐसे, ठीक और ऐसे 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 बना लो उसको इज इट क्लियर तो ये इसका माउथ हेमिस्फेरिकल टैंक जिसमें आप पानी डाल रहे हैं जो भी डाल रहे हैं अंदर से खाली है ये टैंक है अंदर से खाली है ये इसकी थिकनेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये जो थिकनेस है ना थिकनेस ये कितनी थिकनेस है ये गिवन है इट इज़ वन सेंटीमीटर कह रहे इफ इनर रेडियस इज वन मीटर यानी जो अंदर वाली सर्कल है इसका जो रेडियस है ये वाला इट इज़ वन मीटर जिसको आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक यहाँ पर समझने वाली क्या बात है आपको वॉल्यूम आयरन का फाइंड करना है ना कि टैंक का टैंक का अगर वॉल्यूम पूछा होता ना तो यानी अंदर जो इसकी कैपेसिटी है आपको उसको निकालना है कि इसमें पानी कितना होल्ड होता है कैपेसिटी तो यहां पर उसने बोला है कि जो टैंक जिस चीज का बना हुआ है आयरन का बना हुआ है तो आपको आयरन का वॉल्यूम निकालना है ना कि टैंक की कैपेसिटी निकालनी कई बार हम क्या करते हैं ये वाला रेडियस लेके सीधा हम वॉल्यूम निकाल देते हैं ऐसा नहीं करना है ये वाला रेडियस लेके अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो पता क्या निकलेगा इस टैंक की कैपेसिटी निकलेगी क्योंकि आपने इनर रेडियस को यूज़ किया तो अंदर वाली जो सर्कल है अंदर वाला जो हैमिस्फेयर है बस उसका वॉल्यूम निकल गया यानी उसमें कितना पानी आ रहा है या कितना लिक्विड आ रहा है वो निकाल दिया आपने उसकी कैपेसिटी निकाल दी लेकिन यहां पर पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द आयरन ये लोहे का बना हुआ है तो ये लोहा कितना यूज हुआ है इसके अंदर वो निकालना तो इसमें क्या होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ऐसे निकाला जाता है क्योंकि अंदर से तो खाली है ना आयरन तो है ही नहीं तो आउटर में आयरन है और थिकनेस पोर्शन में आयरन है तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम आपको माइनस करना है सिंपल क्लियर है देखिए सबसे पहले इनर रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है जो कि हंड्रेड सेंटीमीटर है कैपिटल आर आउटर रेडियस क्या है आउटर रेडियस इसमें आपको थिकनेस ऐड करनी होती है तो वन वन जीरो बताया माइनस करना है आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है फॉर्मुला तो सेम ही लगेगा रेडियस बदलेगा तो इट इज हेमी है ठीक है टू बाई थ्री पाए आर क्यू यहाँ भी टू बाई थ्री पाए आर क्यू बस आर आपको डिफरेंट लेना आउटर वाला कैपिटल आर रखा हुआ कैलकुलेशन में ध्यान रखें दोनों में टू बाई थ्री पाई कॉमन है यहाँ पर बच रहा है आर क्यू माइनस आर क्यू यहाँ पर भी एक कैलकुलेशन और मैं आपको सिखाता हूं आर क्यूब जो आर क्यूब है ना डायरेक्ट अगर आप आर का वैल्यू डालते हैं हो सकता है लेंथी हो जाए हो सकता है लेंथी हो जाए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर क्यू माइनस आर क्यू बना हुआ ना एक आइडेंटिटी बनी ए क्यू माइनस बी क्यू आप ये आइडेंटिटी लगाकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट इज योर चॉइस डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर मतलब सिंपल नंबर है यहाँ वन ज़ीरो वन और हंड्रेड है कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन अगर बड़े नंबर है एटी नाइन सेवेंटी टू तो इसका आइडेंटिटी लगाइए तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू में सीखा होगा यह आ गया आर प्लस आर फिर आर स्केयर प्लस आर स्केयर सॉरी यहां माइनस होता है आर माइनस आर आर स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस आर इंटू आर ये आइडेंटिटी यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी फर्स्ट फैक्टर फिर क्या लिखना है ए स्केयर प्लस बी स्केर प्लस ए बी ये आपने पढ़ा हुआ है पॉल में ठीक है बस इसमें वैल्यू डालो आप टू बाई थ्री पाई यू कैन टेक ट्वेंटी टू बाई सेवन तो कैपिटल आर वन जीरो वन छोटा वाला आर हंड्रेड देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी वन हंड्रेड वन में से हंड्रेड आएगा वन बचेगा कैलकुलेशन तो हो गई से यहाँ वन ज़ीरो वन का स्केयर आपको करना पड़ेगा हंड्रेड का स्केयर करना पड़ेगा वन जीरो वन को हंड्रेड से इंटू करना पड़ेगा मेरे बच्चे टू बाई थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन वन हंड्रेड वन में से हंड्रेड गया वन वन इंटू और है ख़त्म कहानी पीछे बचा वन जीरो वन का स्केयर प्लस हंड्रेड है तो चार जीरोज आ गई इसका आगे वन जीरो वन दो ज़ीरोज़ को लगा दी वन हंड्रेड वन का स्केयर आप कैलकुलेट कर लेना और इसमें ये सब प्लस करके जो भी नंबर आएगा इसके साथ सिंप्लीफिकेशन लेनी ये टोटल जो भी आएगा दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द आयरन और ये हमने सेंटीमीटर में रखा है तो इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब अगर आप इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं मीटर क्यूब में तो आपको क्या करना है मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है जो भी नंबर आएगा जो भी नंबर आएगा हंड्रेड फिर हंड्रेड और फिर हंड्रेड यानी छः जीरो नीचे लगानी है आपको तो यहां पर इसकी जगह आप मीटर क्यूब लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब लिख लेंगे जीरो नीचे आगे बढ़ो द क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जाते हैं भाई टू मार्क्स में बहुत सिंपल देखो, है देखो सरफेस एरिया दिया हुआ मेरे बच्चे सरफेस एरिया ऑफ सफेर इज वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्कोर अब सफेद का सरफेस एरिया अभी लिखवाया ना तभी लिखवाया इसमें यूज़ हो रहा है वापस तो इट इज़ फोर पाई आर्ट्स केयर इट इज़ वन फिफ्टी फोर फोर पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडीज़ अब बहुत से बच्चे हो सकते हैं फोर इंटू ट्वेंटी टू एटी तू एट कर दे मल्टीप्लिकेशन जल्दी नो 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 कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी सबसे पहले आप ट्वेंटी टू बाई सेवन और फोर को वन फिफ्टी फोर की तरफ ट्रांसफर करो मेरे बच्चे देखो सेवन वन फिफ्टी फोर से मल्टीप्लाई जाएगा उधर जाके क्रॉस और फोर और ट्वेंटी टू डिवाइड में आ जाएंगे अब इनको कैंसिल करो अब देखो ये टू कैंसिल सेवन ट्वेंटी टू और सेवन से जा रहे हैं 11, तो आपका जो रेडियस का स्केर आ गया तो रेडियस कितना आ गया सेवन बाय टू तो मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करना कैंसिल करो अपने आप बन जाता है रिजल्ट तो सेवन बाय टू सेंटीमीटर इज द रेडियस नाउ यू कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ सफेयर वट इज वॉल्यूम ऑफ सफेर माई डियर वॉल्यूम ऑफ फेरीज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आपने निकाला सेवन बाई टू बस इसको थ्री टाइम्स आपको लिखना है सेवन से सेवन कैंसिल टू से ये गया इलेवन ये टू टू से फोर ये भी गया ऊपर बचा इलेवन एक सेवन एक सेवन नीचे बचा थ्री इसको मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर क्यूब में लिख दो दैट्स दिस इज सेवंथ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट वेरी इंटरेस्टिंग ये वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर या फिर केस स्टडी बेस्ड में आ सकता है फोर मार्क्स में फाइव मार्क्स में सो प्लीज टेक केयर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है पढ़ो पहले अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हैमिस्फेयर देखो हैमिस्फेयर बना दो ये ये आ गया हैमिस्फेयर डोम एक बिल्डिंग टाइप है बड़ी बार देखा होगा आपने ऐसा कह रहे फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ दिस इसको अंदर से वाइट वॉश किया जैसे आपके घर का रूम ही मानो इस शेप में हो तो अंदर से आपने वाइट वॉश किया अंदर अंदर की तरफ से तो टोटल पैसा लगा फोर नाइन एट नाइन पॉइंट सिक्स ज़ीरो इतने पैसे लग गए इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज़ ट्वेंटी पर स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर को अगर पेंट करना था तो आपको बीस रुपये देने पड़े ये कॉस्ट दे रखा है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम अंदर जो एरिया था डोम का वो कितना है जिस यहाँ पर वाइट वॉश हुआ वो एरिया नहीं पता फिर आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम यानी अंदर वाले जो रूम का है उसका वॉल्यूम भी निकालना है कैपेसिटी भी निकालनी कैपेसिटी तो रेडिस चाहिए रेडियस इधर है ही नहीं बस ये कॉस्ट ही कॉस्ट दे रखी है अब मेरे बच्चे कॉस्ट कॉस्ट को क्या कैसे रिलेट करना है एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ फॉर एक्ज़ाम्पल आप मार्केट में गए और आपने अपने लिए पेन परचेज़ किए जिसकी टोटल कॉस्ट थी एक सौ बीस रुपये यानी आप पेन ले आए एक सौ बीस रुपये के कितने पेन है वो नहीं पता लेकिन एक पेन मानो पाँच रुपये का है कितने का है पाँच रुपये का यानी पर यूनिट का कॉस्ट पता आपको और टोटल कॉस्ट भी पता है तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक पेन का कॉस्ट अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें जो निकल के आएगा वो क्या होगा वो होगा जो चीज आप अपने साथ घर पे लाए यानी नंबर ऑफ पेंट्स निकल के आ जाएगा तो दिस इज द तो टोटल कॉस्ट दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंट डिवाइड करो सर फाइव टू ज टेन सर दो बचे बीस यहाँ पे आ गया फोर तो ए नंबर ऑफ पेंट्स कितने हुए ट्वेंटी फोर ये नंबर ऑफ पेंट्स निकल के आ गए समझना क्या है ये जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और ये जो कॉस्ट दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर का जब आप टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो अंदर वाला जो एरिया जहां पे वाइट वॉश हुआ वो निकल के सामने आएगा तो पहले पार्ट का आंसर तो सीधा सीधा इन दोनों को डिवाइड करना है इतना सिंपल जब एरिया आ जाएगा वहां से मैं रेडियस भी निकाल लूंगा तो बस इतना ही समझना है टोटल कॉस्ट और पर यूनिट की कॉस्ट को डिवाइड करने से एरिया निकलेगा जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ पेन और एक पेन के कॉस्ट को डिवाइड करने से नंबर ऑफ पेन निकल के आ जाते हैं कितने पेन हैं तो यहां पर कितना एरिया है डिवाइड करके आ जाएगा दैट्स ऑल तो मेरे बच्चे टोटल कॉस्ट लिखें पहले आप ऑफ वाइट वॉशिंग फोर नाइन एट नाइन फोर नाइन एट नाइन पॉइंट सिक्स जीरो कॉस्ट फोर नाइन एट नाइन पॉइंट सिक्स जीरो एंड कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्केयर इट इज रुपीज ट्वेंटी तो मेरे बच्चे अब आप डायरेक्ट लिखें इनर सरफेस एरिया जहां पे पेंट हुआ इनर सरफेस एरिया कितना होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर यूनिट का कॉस्ट बस इसको बच्चे कैंसिल करना है ठीक है फोर नाइन एट नाइन सिक्स ज़ीरो इसकी दो ज़ीरोज़ उतार दी नीचे ट्वेंटी ये ज़ीरो गया इसको टू से उड़ा रो मैं टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट वन बचा एटीन नाइन ज़ा ख़त्म फोर टू ज़ा एट वन बचा सिक्सटीन एट कैंसिल हो गया तो मेरे पास आया टू फोर नाइन फोर एट डिवाइड बाई हंड्रेड फिर डैसी लगा दो टू फोर नाइन पॉइंट एट इसको लिखना आपने मीटर स्केर तो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम जहां पे डोट वॉश हो तो फर्स्ट पार्ट हो गया अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे वॉल्यूम के लिए रेडिस चाहिए रेडिस है नहीं तो ये जो एरिया आया यहां से रेडियस निकाला जा सकता है अभी पीछे क्वेश्चन किया तो मेरे बच्चे इनर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया हम यहां पर निकाल चुके टू फोर नाइन पॉइंट फोर एट दिस इज द इनर सरफेस एरिया अब वो इनर सरफेस एरिया किस चीज़ का है सफेरिकल का हैमिसफेरिकल का वो थोड़ा ध्यान रखना तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैमिसफेरिकल डोम तो हैमी डोम यानी हेमिसफेयर का फॉर्मूला लगा देना है इनर सर्फेस एरिया का जो होता है टू पाए आर स्केर तो इट इज टू फोर नाइन पॉइंट फोर एट तो यहाँ से अभी हमारा रेडियस आने वाला है आरस्केर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना मेरे बच्चे पहले कैंसिल करने की कोशिश करनी है देखो टू फोर नाइन फोर एट इसकी ज़ीरोज़ उतार दी मैंने नीचे डेसीमेल उतार दिया दो जीरोज़ आ गए ये जो सेवन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चल जाएगा वो टू और ट्वेंटी टू यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ पर कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं देखो ये टू इसको कैंसिल कर रहे हैं टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर नाइन है फ़ोर टू ज़ा एट वन बचा फोरटीन सेवन ज़ा फोरटीन एट है टू से कर रहे फोर बचा अब ये ट्वेंटी टू है और ये नंबर है दोनों टू से कैंसिल हो रहे हैं तो टू से कैंसिल कर रहा हूँ अभी ठीक है यहाँ पर आ गया इलेवन इसको टू से करो सिक्स जा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर थ्री टू ज़ा सिक्स एक बचा सेवन तो आपके पास अभी बच रहा है सिक्स टू थ्री सेवन हंड्रेड इलेवन अब इसको एक बार इलेवन से चेक कर लो इलेवन तो प्राइम नंबर है इसको इलेवन से चेक कर लो देखो क्या ये इलेवन से कैंसिल होता है इलेवन फाइव ज 55 तो 62 था 55 है कितने में 12 में से 5 गया सात आ सेवन तो यहां पर बच गया 73 सिक्स से आएगा 66 फिर यहां पे 73 था 66 आया तो यहां पे आ गया 13 में से 6 7, आगे 77 तो 7 से जाएगा तो मेरे बच्चे r स्क्वायर आपके पास आया 567 डिवाइड बाय 100 अब मेरे बच्चे यहां पे आपको क्या करना है स्क्वायर रूट नहीं बनाना इसका स्क्वायर रूट बनाओगे 570 फाइव सिक्सटी सेवन का आपको रूट निकालना पड़ेगा जो कि आप निकाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं बहुत से बच्चे फंस जाएंगे मैं आपको सजेशन क्या दूंगा फाइव सिक्स सेवन की प्राइम फैक्ट्रेशन कर दो देखो फाइव सिक्स सेवन है इसकी प्राइम फैक्ट्रेशन कर दो फैक्टर्स आएंगे उससे परफेक्ट बन जाएगा ये वो बेटर ऑप्शन है अगर स्केयर रूट निकालना नहीं आता तो देखो ये थ्री से कैंसिल हो रहा है थ्री वन जो थ्री दो बचे ट्वेंटी सिक्स एट जो ट्वेंटी फोर दो बचे नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन फिर ये थ्री से जाता है सिक्स थ्री ज़ा एटीन थ्री थ्री ज़ा नाइन अब आ गया सिक्सटी थ्री सिक्सटी है सेवन इंटू नाइन देखो थ्री थ्री सेवन नाइन ये नंबर की प्राइम फैक्ट्रेशन कर दी तो अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है आर स्केर आ रहा था ना यहाँ पर थ्री थ्री दो थ्री आए इसकी प्राइम फैक्ट्रेशन में दो थ्री आए एक सेवन आया एक नाइन आया एक सेवन आया और एक नाइन आया और नीचे इसके डिवाइड में क्या है हंड्रेड मेरे प्यारे बच्चे सेवन एक बार देख लो कितने आ रखे हैं नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री थ्री सेवन नाइन डिवाइड बाई हंड्रेड एक सेवन मिस और एक सेवन एक बच्चे यहाँ भी था मैंने मिस कर दिया यहाँ पे इंटू सेवन भी बच्चे इसके साथ ठीक है थोड़ा ध्यान रखना ये इंटू सेवन भी है ये परफेक्ट बनेगा देखो थ्री इंटू थ्री नाइन होता है और एक नाइन ये रहा ये आ गया सेवन इंटू सेवन और नीचे हंड्रेड है टेन इंटू टेन देखो मैंने सारे पेयर बना दिए अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप नाइन इंटू सेवन और नीचे टेन ऊपर स्केयर नाइन दो थे सेवन भी दो थे दोनों का स्केयर टेन भी दो थे टेन का भी स्केयर 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 कैंसिल तो आर आपके पास आ गया नाइन इंटू सेवन बाय नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री बाई टेन दैट इज सिक्स पॉइंट थ्री तो दिस इज इन मीटर ये हो गया रेडियस अगर आपको स्केयर रूट निकालना आता है तो उस नंबर का आप स्केयर रूट निकाल सकते हो ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पे सेवन मिस कर दिया था तो फाइव सिक्स सेवन को सेवन से भी इंटू करना है फिर स्केयर रूट निकालना तो मैंने प्राइम फेक्ट्रेशन कर ली तो जल्दी हो गया तो बेटर ऑप्शन प्राइम फेक्ट्रेशन ही होगा स्केयर रूट में बच्चे उलझ जाते हैं तो मेरे बच्चे रेडियस आ गया अब क्या फाइंड करना था इसका वॉल्यूम कुछ नहीं अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है वॉल्यूम निकालना हाँ एयर इन द डोम वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल है टू बाई थ्री पाए आर क्यूब टू बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्यूब ये निकाला था हमने सिक्स पॉइंट थ्री तीन बार लिख दो सिक्सटी थ्री बाई टेन सिक्सटी थ्री बाई टेन सिक्सटी थ्री बाई इसको कैंसिल वैंसिल करके जो भी आएगा मीटर क्यूब में रन छोड़ देना वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा दैट्स ऑल दिस वॉज क्वेश्चन नंबर एट्थ उा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वेंटी सेवन सॉलिड आयरन सफेर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्मेर विद सर्फेस एरिया एस डैश मेरे बच्चे छोटे छोटे सफेर है हमारे पास छोटे छोटे सफेद कितने सफेद कितने सफेद ये है ट्वेंटी सेवन सफेर इनको मेल्ट किया मेटल के बने होंगे मेल्ट कर दिया इनको इनको मेल्ट किया इन सब को मेल्ट करके एक बड़ा सफ़ेर बना दिया एक बड़ा सफ़ेर बना दिया इनको मेल्ट करके ये जो छोटे-छोटे सफ़ेर है इन सब का जो रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट किया गया और इन सब का सरफेस एरिया सिंगल सिंगल का s है और मेल्ट करके जो बड़ा सफ़ेर आया इसका जो सरफेस एरिया s है ये है गिवन इंफॉर्मेशन अब ये कह रहा है फाइंड r डश यानी रेडियस ऑफ द न्यू सफेर ये जो बड़ा वाला सफेद आया इसका आपको रेडियस फाइंड करना है जो कि आर डैश है अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ट्वेंटी सेवन छोटे वाले सफेर उनका जितना वॉल्यूम है इस बड़े वाले सफेर के इक्वल होगा बस ये लेके चलना आपको तो आपको शुरुआत ही यहां से करनी है वॉल्यूम ऑफ बिग सफेर जो बड़ा वाला सफेर आया वॉल्यूम ऑफ बिग सफेर इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सफेयर दैट्स ऑल. फॉर्मूले डालें कैलकुलेशन बहुत ईजी है बिग स्पेयर का वॉल्यूम सर इट इज फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब आर लेना आर डैश क्योंकि उसको डिनोट किया गया उसके रेडियस को आर डैश से यहां पर आप लिखेंगे ट्वेंटी सेवन इंटू फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री कैंसिल पाई से पाई कैंसिल तो आपके पास हो जाए आर वन क्यूब आर डैश क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन आर क्यूब आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन भी थ्री का क्यूब होता है क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया आर डैश इज इक्वल टू थ्री आर तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये जो न्यू से है उसका जो रेडियस है आर डैश वो किसके इक्वल है थ्री आर यही आंसर थ्री टाइम ऑफ ओल्ड फेयर स्मॉल स्फेयर डन सेकेंड पार्ट रेशो ऑफ एस एंड एस डैश एस इज अ सरफेज एरिया ऑफ छोटा वाला स्फेयर एस डैश इज अ सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर तो रेशो फाइंड करनी मेरे बच्चे एस बाय एस डैश एस क्या है ओल्ड स्फेर छोटा वाला स्फेयर सरफेस एरिया तो इट इज फोर पाए आर स्केयर नीचे एस डैश न्यू स्फेयर फॉर्मूला सेम होगा फोर पाए आर डैश का स्केर फोर पाई फोर पाई कैंसिल आर स्केयर आर डैश का स्केयर आर स्केयर आर स्केयर आर डैश वैल्यू निकाली थ्री आर रेशो निकाली थ्री आर का स्केयर आर स्केयर थ्री का स्केयर नाइन आर स्केयर आर स्केयर आर स्केयर कैंसल वन बाई नाइन तो रेशो कितना आ गया वन इज टू डेट सो इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन इसको अच्छे से कर लेना एट्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चे ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज नाइन टेन क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन बच गया वो भी करेंगे ये बहुत ईजी okay, है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ सफेर ओके एक कैप्सूल है सफेरिकल शेप में कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप में तो देखा था चलो ये सफेरिकल कह रहा है सफेरिकल कैप्सूल है एक जिसका डायमीटर दिया हुआ है हाउ मच मेडिसिन इन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल सब कुछ एम एम में तो एम एम में वॉल्यूम निकलेगा सिंपली आपको वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस तो मेरे बच्चे होगा यहाँ थ्री पॉइंट फाइव बाई टू mm. एम एम तो वॉल्यूम निकालना है सिंपली आपको सफेद्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री वट इज पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर क्यू थ्री पॉइंट फाइव बाई टू को तीन बार लिखना है कैंसिल करो टू टू से फोर फोर गया उसके बाद इस टू ने इसको क्या था इलेवन गया तो पीछे बचा इलेवन थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव थ्री टाइम लिख रहा हूँ नीचे बच रहा है मेरे पास एक थ्री और एक सेवन और नीचे इनकी ज़ीरोज़ का थाउजेंड आ गया सेवन ने इसको कैंसिल किया फाइव तो पीछे बच रहा है इलेवन फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव डिवाइड बाय थ्री इंटू वन थाउजेंड आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल में जो भी आएगा वो आपका एम एम क्यू में ही आएगा क्योंकि रेडियस हमने एम mm एम में ही रखा हो ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी सा रखा हो तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ये थी आज की एक्सरसाइज इसी के साथ हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम एकदम कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम मैंसुरेशन का जो सेकंड चैप्टर है हीरोन फॉर्मूला उस पर डिस्कशन करेंगे छोटा सा दो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर